नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज मैं उप तहसील गोरीवाला के स्टेट हाईवे 32 पर हूं, कालवाना माइनर। पिछले लंबे समय से यहां पर तंग पुल पर नए सिरे से पुल बनाए जाने का जो कार्य है वो लगातार प्रगति पर है। हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। करीब 88 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर नए पुल का निर्माण कार्य है वो शुरू हो चुका है, लेकिन पिछले कई सप्ताह से लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो मुझे जानकारी मिली है, अभी तक भी करीब 2 महीनों का वक्त लगभग यहाँ पर इस पुल को शुरू होने में लगेगा, क्योंकि ये करीब 12 मीटर लंबा और 25 फीट चौड़ा ये पुल नए सिरे से तैयार होगा। जिसके दोनों तरफ के रेलिंग का हिस्सा होगा, स्लैब डलेंगे, बॉक्स एक तरफ के हिस्से का वन वे साइड है उसमें एक तरफ दोनों बॉक्स डलने के बाद इसकी छत का जो कार्य है वो अब शुरू हुआ है। जैसे इसके ऊपर लेंटर डलेगा, फिर 21 दिन का प्रोसेस होगा इसको बंद रखने का, यानी आरजी तौर पर जो स्टेट हाईवे पर रास्ता पाइपें दबाकर बनाया गया सिर्फ वहीं से आना जाना लोगों का होगा। उसके बाद 21 दिन के बाद इस लेंटर को खोलने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसे विधिवत रूप से शुरू किया जाएगा और फिर इसका दूसरा हिस्सा नए सिरे से बनेगा। यानी करीब 2 महीनों का वक्त अभी भी लोगों को यहां से मुसीबतों भरा यहां से गुजारना पड़ेगा। नए साल पर भी इस पुल की जो सौगात है वो नहीं मिलेगी। यहां पर लोगों को हादसों का डर सता रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम और धुंध शुरू होने की वजह से यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा यहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं है, रिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं है कि लोग दूर से देख सके कि यहाँ पर रास्ता है वो बंद है, तंग रास्ता है। यहाँ पर पुल का कार्य चल रहा है, निश्चित तौर पर जो यहाँ पर स्टेट हाईवे को भी और लोक निर्माण विभाग को भी इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी ताकि लोग किसी भी मुसीबत में ना फंसें। आपको याद होगा इसी कालवाना माइनर का ये तंग पुल होने की वजह से, अक्सर माइनर टूटने की वजह से किसानों की खेती बर्बाद होती थी, पानी की बारी बर्बाद होती थी। और इससे पहले यहाँ पर तंग पुल जो साइफन होने की वजह से कचरा भरता था, और यहीं पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये एक कुएं टाइप यहाँ पर उसी समय से है, ये नहर का बेड यहाँ से टूटा हुआ और ये कुएं नुमा यहाँ पर गड्ढा था। ये गड्ढा किसानों का खोदना एक सबसे बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि इसी निचले स्तर पर जाकर इस साइफन का कचरा निकाला जाता था और फिर जाकर इस नहर का पुल खुलता था, उससे पीछे नहर लगातार ओवरफ्लो होती थी। लेकिन उसी समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर इसका जो विधिवत रूप से जो इसका शुभारंभ है वो जेजेपी प्रवक्ता रणदीप सिंह मरदादू की तरफ से इसका किया गया था। करीब 88 लाख रुपये की लागत से जो नए पुल का जो कार्य है वो शुरू हुआ है और कुछ ही अगले जो सप्ताह में बनकर तैयार होगा। फिलहाल यहाँ से गुजरने वाले तमाम राहगीरों की और वाहन चालकों की ये मांग है कि इसका कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। चूँकि नहर बंदी होने की वजह से काम इसका उस तेज़ी से नहीं हो पाया जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे। अभी भी 2-4 दिनों के बाद फिर से नहर आएगी, फिर 15 दिन नहर की बारी टर्न होगी, फिर 15 दिन ये नहर का पुल का काम बंद रहेगा। यानी इससे पहले नहर बंदी करनी पड़ी, किसानों को भी नुकसान हुआ, लेकिन लोक निर्माण विभाग की वजह से इसका कार्य पहले भी काफ़ी देरी से शुरू किया गया और लोगों को यहाँ पर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा आने वाले कितने वीक में, ये तो साफ है कि नए साल पे नए पुल की सौगात लोगों को नहीं मिल रही, क्योंकि अभी भी कुछ सप्ताह का इंतज़ार करना होगा और लोगों की मांग है कि यहाँ पर कार्य को तेज़ी से किया जाए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गोरीवाला से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए तेज हरियाणा। बहुत बहुत शुक्रिया।